नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज फिर मैं एक और बैग का जो है वो वीडियो लेके आई हूँ। ये मैंने जब ये परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, तब मैंने इसका फटाफट वाला रिव्यू बताया था। तो फिर से मैं इसको मैंने बहुत यूज़ कर लिया है, तो मुझे लगा कि इसका सेपरेट ही वीडियो एक बनाऊँ। तो ये बैग जो है वो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। प्राइस मेरे को याद नहीं है, मैं देख के साइड में डाल दूँगी। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छा बैग है और स्पेस की बात करूँ इसमें काफ़ी है। कलर इसका जो है वो आप देख सकते हैं, पिस्ता ग्रीन कलर है। काफ़ी क्यूट सा बैग है, बहुत छोटा है यानी मिनी है। ये जो बैग है ये आप थ्री तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको हाथ में नॉर्मल इस तरीके से हाथ में लेके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें बड़ी सी जो है वो स्ट्रिप्स जो है बेल्ट दी गई है, तो आप इसको एज ए स्लिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप इसको बैग पैक भी बना सकते हैं, यानी इसको बैग पैक भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है यूज़फुल है। तो ये बैग मेरे को बहुत अच्छा लगा था और मैंने इसको ट्रैवल में यूज़ किया था। मैं जब अपने होम टाउन गई थी दिवाली पे, तब मैंने इसको यूज़ किया था। ये इस तरीके से आप इसको बैग पैक बना सकते हैं। ये आपको पहले मैं बैग पैक बना के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से जो है आपका बैग पैक बन गया है। तो मैंने इसको होम टाउन जब गई थी तब मैं इसको लेके गई थी और ट्रैवल में मेरे को बहुत पसंद आया था। बात करूँ उसकी ज़िप की, तो इसमें 1, 2 और 3 ज़िप है। मिडल वाली जो ज़िप है उसमें काफ़ी स्पेस है। पहले मैं दिखा देती हूँ आपको फ्रंट वाली जो है, फ्रंट वाली पॉकेट में आप देख सकते हैं। और ये एक छोटा सा आपको इसमें कंपार्टमेंट मिल जाता है, हैंकी या कुछ और भी आपको छोटा सा कुछ रखना हो, या छोटी हेडफोन की जो बॉक्स आती है वो आप रख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट पॉकेट। ये है सेकंड पॉकेट। सेकंड पॉकेट काफ़ी स्पेशियस है। इसमें आप बच्चों के फूड जैसे इस तरीका का जो बॉक्स है जिसमें आप बिस्किट या कुछ भी कैरी करना चाहें तो वो इसमें आराम से आ जाता है। और साइड में एक छोटी बॉटल्स भी इसमें बॉटल जो है वो आ जाएगी। तो ये काफ़ी स्पेशियस है जो मिडल वाला बॉक्स है, कंपार्टमेंट है। उसके बाद में थर्ड जो है वो फ़ोन के लिए है। तो आप यहाँ पे इसमें भी दो कंपार्टमेंट, ये एक नॉर्मल और ये, तो आप चाहें तो इसमें अपना फ़ोन रख सकते हैं या इसमें और भी कोई अपने टिश्यू या कुछ और रखना हो तो वो रख सकते हैं। और ये एक इसमें पॉकेट है जिसमें आप फ़ोन रख सकते हैं। और हेडफोन अगर आप वायर वाली यूज़ कर रहे हैं तो इससे आप अपने हेडफोन बाहर की तरफ निकाल के आप जो है अपने हेडफोन इसमें बाहर रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा और बहुत ही प्यारा बैग है। और इसके जो लुकिंग है वो बहुत अच्छी है। इसमें ब्लैक कलर भी था और 2-3 कलर थे, बट मेरे को यही कलर लेना था। मेरे को ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें ये क्यूट सा ऐसे ही कीचेन डाला हुआ है कुछ ऐसा ही, तो काफ़ी अच्छा है। इसकी जो चेन्स हैं ये सब हैं, ये सब गोल्डन कलर के हैं। तो मेरे को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसकी कहीं से भी इसका कलर नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत यूज़ किया है। और अभी जैसे मेरे को जो नॉर्मली ऐसे ट्रैवल पे, क्योंकि अब भूख बड़ी हो गई है, तो बस खाना और पानी इसमें रख लिया और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही कैरी करके ले जाती हूँ। तो ये छोटा है बट इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो बच्चे का सामान इसमें, मतलब 6-7 साल का बच्चा है तो उसके लिए कुछ खाने का, उसकी बॉटल इसमें आराम से आ जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फ़ोन आ जाएगा, आपके छोटी मोटी जो चीज़ें होती है, माउथ फ्रेशनर आ जाएगा, आपका हैंकी आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और इस पर मैंने ये इस तरीके से एक सैनिटाइज़र बॉटल, में हमेशा मेरे हर बैग पर सैनिटाइज़र बॉटल रहती है, क्योंकि बाहर जैसे ही निकलना हो तो ये हमेशा मैं इस पर टांग के रखती हूँ कि कोई भी अगर बैग लेके जाना हो तो उन पर ये सैनिटाइज़र बॉटल लगी हुई हो। तो ये इस तरीके का बैग है, मेरे को काफ़ी पसंद आया। और जब मैं, और इसको मैं पार्टी में भी यूज़ कर चुकी हूँ, मैं इसको मॉल जाती हूँ तब भी लेके जाती हूँ, और नॉर्मल किसी फ्रेंड्स के घर या कहीं पर भी जाती हूँ तो मैं इसको कैरी करती हूँ। तो जब मैं ये पार्टी में लेके गई थी सबको बहुत पसंद आया, मेरी मम्मी को भी ये बहुत पसंद आया। तो सबने पूछा ये बैग कहाँ से लिया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक सा लग रहा है। मतलब छोटा है बट इसमें स्पेस ज़्यादा है। नॉर्मली क्या होता है कि जो बैग होते हैं वो छोटे होते हैं बट उसमें स्पेस इतना नहीं होता, बट ये बैग मैंने लिया ही इसीलिए था कि अगर आप ट्रैवल पर जा रहे हैं तो आपकी टिकट्स वगैरह, आपकी जो मेन, जो आपको एकदम कहते हैं इंस्टेंट जो चीज़ें ज़रूरत वाली होती है, वो सारी इसमें आ गई थी।
हम जब होम टाउन गए थे तो हमें ट्रैवल के लिए काफ़ी सामान जो होता है वो मुझे हैंडी रखना पड़ता है, तो उसके लिए बड़े बैग में बार बार आपको लेना बहुत मुश्किल होता है। तो एक मैं बैकपैक लेती हूँ पीछे और एक हैंडी सामान जिसमें आपका फ़ोन हो, आपके हेडफोन्स हो, बच्चे का हैंकी हो, बच्चे के खाने का सामान हो, आपके टिकट्स हों, वो सारे इसमें आराम से आ जाते हैं। तो बहुत काम आया था ये बैग, तो इसलिए मुझे लगा कि अगर ऐसे मेरी तरह किसी को बार बार ट्रैवल करना पड़ता है और उन्हें इस तरीके का बैग छोटा हो बट स्पेस ज़्यादा हो, तो ये बैग उसके लिए बेस्ट है। मैं इसका लिंक जो है वो मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इसको अमेज़ॉन से मंगवाया था, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसकी प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, बस इस बैग के बारे में आपको बताना था, तो बस मैं अपना वीडियो यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।